Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Today we will study factors and multiples. As we have studied the tables up to 12, ठीक है आपने 12 तक tables याद किए हैं. So हम लोग जब multiply करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आते हैं, ठीक है. जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर आता है. सो द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड, जिनकी प्रोडक्ट आती है या जिनको मल्टीप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं हम फैक्टर्स, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम मल्टीपल, ठीक है. तो अब हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं डिफरेंट नंबर्स के, ठीक है. तो हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है दैट इज़ 8, ठीक है. अब आपने 8 के फैक्टर्स बनाने. सो फैक्टर्स ऑफ 8 विल बी, अब 8 को हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 1 के साथ. तो 8 1 के टेबल में आता है, ठीक है. 8 को जब 1 से डिवाइड किया तो 8 आ गया. देन 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक है. यानी कि 8 2 के टेबल में 4 पे आता है. 8 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है. जब 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया. इसी तरह 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आ गया. सो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 8 दैट आर 8 4 2 एंड 1, ठीक है. ये सब फैक्टर्स हैं 8 के, यानी कि 8 जो है वो इन सब के टेबल में आता है, ठीक है. फैक्टर्स का मतलब है कि ये इन सब के टेबल में आता है, ठीक है. यानी कि 8 इन 4 नंबर्स के टेबल में आएगा. इसी तरह अगर हमने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं तो 16 जो है वो किस नंबर के टेबल में आता है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. अब 16 को डिवाइड करके चेक करते हैं. 16 को 1 के साथ सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 16 आ गया. देन 16 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 8 16 होता है, ठीक है. देन 16 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है. देन 16 8 के टेबल में आता है, 8 इंटू 2 16 होता है. एंड लास्ट पे 16 16 के टेबल में आता है, ठीक है. तो ये सब फैक्टर्स हैं 16 के, ठीक है. सो फैक्टर्स ऑफ 16 आर, हम लिखेंगे ऐसे, फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है. तो आपने ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये हमारे फैक्टर्स हैं. जो नंबर्स यहाँ पे आएंगे वही हमारे पास यहाँ रिपीट होंगे. ये देखो यहाँ से 1 से 16 तक, अब ऊपर से नीचे तक, यहाँ नीचे से ऊपर तक सेम आएंगे, ठीक है. सो दीज नंबर आर रिपीटिंग लाइक दिस, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम एंड देन बॉटम टू टॉप, ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर कि आपके पास जो डिजिट्स जो नंबर्स इधर आएंगे वही यहाँ पे आएंगे, ठीक है. सो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 2C, पेज नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. तो अभी मैंने आपको दो एग्जांपल्स समझाई, उनमें देखो सबसे पहले नंबर पे 1 था फैक्टर, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर्स ऑफ 6 आर, सो यू कैन सी 6 जो है वो 4 इन 4 नंबर्स के टेबल में आता है, ठीक है. उसके बाद है 1 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2, बिकॉज 1 एंड 2 दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है. सो दीज आर बोथ द फैक्टर्स ऑफ 2. फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड लास्ट पे जो रह गया द नंबर इट सेल्फ इज फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, ठीक है. तो 20 आ गया. ई पार्ट इज 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13, क्योंकि 13 जो है वो फैक्टर ऑफ इट सेल्फ होता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. सो ए पार्ट इज 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है. क्योंकि 7 के टेबल में नहीं आता. बी पार्ट इज इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट.
क्योंकि एक नंबर अगर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे और ज़ीरो रिमाइंडर आए तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो दूसरे नंबर का फैक्टर है, यानी कि वो उसके टेबल में आता है। ठीक है, सी पार्ट इज़ सिक्स एंड एट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। दिस इज़ ट्रू, आप सिक्स के फैक्टर्स बनाए और एट के देख और तो आपको पता चलेगा कि दोनों के फोर फोर फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, डी पार्ट इज़ अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। दिस इज़ ट्रू। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर आपको दिया जाए, आपको कहा जाए इसके फैक्टर बनाए, तो सबसे पहला फैक्टर तो वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि 45 जो है वो 9 के टेबल में आता है, लेकिन 9 45 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, लेकिन 45 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। सो ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट इज़ 2 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 14। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 32 बिकॉज 10's प्लेस यूनिट्स प्लेस पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, आप इसके फैक्टर्स बना के चेक कर सकते हैं। इसी तरह से डी पार्ट है, 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 बिकॉज 8 जो है वो 2 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, लेकिन 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। Which of the following is a factor of every number? So 1 is a factor of every number. हम इतनी दफ़ा ये बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट येस और नो, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36? सो 36 जो है वो 12 के टेबल में आता है, सो वी विल राइट येस। बी पार्ट इज इन 7, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45? नो, बिकॉज 45 7 के टेबल में नहीं आता। इज 6 अ फैक्टर ऑफ 66? येस, बिकॉज 6 इंटू 11 66 होता है। इज 20 अ फैक्टर ऑफ 100? येस। इज 16 अ फैक्टर ऑफ 64? येस। ठीक है, आप टेबल्स आपने याद किया, आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये नंबर जो है फैक्टर है इस नंबर का। ठीक है, नाउ विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दे दिए, इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग विद द ए पार्ट, 9 दे दिया उसने, सो 9 को हम सबसे पहले तो 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, सो सबसे पहले आपने 1 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 9 आएगा। देन हमें पता है 9 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 3 अगेन। एंड 9 डिवाइडेड बाय 9, बिकॉज एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ एंड 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, सो ये हमने डिवाइड किया 9 को 9 से, तो 1 आ गया। सो फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1 3 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट इज 11। 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, सो 11 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड करेंगे और 11 से, और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे, बिकॉज 11 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सो ये आगे इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट इज सी पार्ट, अब इसमें उसने 18 दे दिया। ठीक है, 18 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 6 9 एंड 18। ठीक है, सो आपको आपने टेबल्स लर्न किए हैं, आपको पता है कि 18 कौन कौन से नंबर्स के टेबल्स में आता है। ठीक है, सो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। नाउ ऑल द अदर पार्ट्स डी ई एंड एफ आर एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट थ्री पार्ट्स, और 6 क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर टू द फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये दोनों सेम है, इनको सेम वे में आपने सॉल्व करना है।